बिसमिल्लर असल माई डर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्सटीन का लेक्चर नंबर टू और आपको याद होगा कि हमने स्कोप ऑफ द चैप्टर में या कमिंग अप नेक्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस करना था वेरी फर्स्ट वन दैट वॉज सपोर्ट इन प्लांट्स वेरी वेरी ट्रिकी वेरी वेरी यू कैन से कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक यू शुड बी विद मी और आपको हर डायग्राम को समझना है हर हर सेप्ट को अपने माइंड में लेकर चलना है तभी आपको ये बातें समझ आएंगी और तभी आप वो मार्क्स स्कोर कर सकेंगे जो इन आपको किसी यूनिवर्सिटी में लेके जाएगी सो लेट्स मूव टू द द्हाइट बोर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्सेंट्रेशन आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी विद अस सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड यस स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर और ये उसका जाहिर है सेकेंड चैप्टर है टॉपिक का नाम आपको बताया था मैंने कल भी कि सपोर्ट मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज एंड दैट इज सपोर्ट इन प्लांट्स और अगर हम एक टिपिकल प्लांट को ड्रॉ करें समथिंग लाइक इट बहुत सिंपल सा अगर हम ड्रॉ करते हैं एक प्लांट तो यू नो वेरी वेल कि हम इसके सिर्फ और सिर्फ तीन पार्ट्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज रूट दैट इज डेफिनेटली एंकर्ड इन द सोइल अदर वन इज कॉल्ड एज द स्टेम सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्टेम एंड थर्ड वेजिटेटिव पार्ट इज द लीफ तो ये मेरे पास तीन पार्ट्स हो गए डेफिनेटली वन इज रूट दैट इज प्रेजेंट इन द सल और इसके दो फंक्शन हैं पहला फंक्शन ये है कि जाहिर है ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इसे तमाम पार्ट्स तक सप्लाई करने का वजह बनेगा दूसरा काम इसका क्या है एंकरेज ये इसको गाड़ के रखेगा और अगर देखें तो इसका एक और बड़ा यूनिक काम भी है वो ये कि इस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर लीव्स अरेंज हैं आर कैपेबल ऑफ गैदरिंग द सनलाइट और मेक फूड फॉर इट अब अगर हम स्पेसिफाई हों और हम स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो स्टेम के मेरे पास दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन ये है कि जाहिर है ये रूट और लीव्स के दरमियान में कनेक्शन का काम कर रहा है कि हर वो चीज जो रूट ने एब्जॉर्ब की है इट विल बी सप्लाइड

तो लीफ की एक टहनी होती है एंड दैट वेरी टहनी इज कॉल्ड एज पेटियोल ये मैंने अभी बता दिया है क्योंकि इसने आगे इस्तेमाल होना है तो स्टॉक टहनी ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल इज ओवर हियर और आपको पता है कि दिस पेटियोल दैन एक्सटेंड्स इन टू द लीफ एज मेड्रिप और मिड्रिप के नीचे साइड से क्या निकलती है डेफिनेटली वेन्स और इसके ऊपर अरेंज होता है फोटो सिंथेटिक पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड एज द लेमिना तो ये वो सब चीजें जो आपको पता होनी चाहिए राइट right? आए हम दिखते हैं कि इन जो पार्टी हैं उनके हमारे पास क्या क्या फंक्शन थे तो पहला पार्ट मेरे पास क्या था स्टूडेंट रूट अदर वन वॉज स्टेम एंड लास्ट वन वॉज लीव्स और लीव सिंपली राइट और उसमें जो हमारा खास तौर पर स्टेम है उसके मेरे पास क्या क्या फंक्शन है तो पहला फंक्शन ये है कि प्रोवाइड अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ लीव्स इसके ऊपर वो जगह है जिसपे लीव्स अपने आपको अटैच कर सकते हैं एंड नंबर टू इट प्रोवाइड्स अ फोर्स टू हैव एन इरेक्ट पोस्टर और इस इरेक्ट पोस्टर की वजह से ही इट कैन वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फिर हम चाहते हैं कि हम देखें कि प्लांट में क्या क्या हो सकती है डिफरेंट टाइप की सपोर्ट हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक छोटा सा सेब्रॉनिक प्लांट है तो उसके अंदर सपोर्ट के लिए मेरे पास सपोर्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कुदन कैमा सेल्स नहीं है और स्क्रन कैमा सेल नहीं है तो फिर उसके अंदर एक ही किस्म की सपोर्ट आती है and that very support is called as physiological support whenever i use a term physiological is that a plant has to perform some function you know physiology study of the normal function is called as physiology so plants kuch functions perform karenge jab tak wo functions perform hotare plant इरेक्ट पोस्टर में प्रेजेंट होगा और जो ही वो वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा या एम्पेयर होगा तो प्लांट विल अंडर गो द प्रोसेस ऑफ विल्टिंग और इट विल जस्ट फेल डाउन एंड अदर वन इस कॉल्ड एज मकैनिकल स्पोर्ट और जब हम बात करेंगे मकैनिकल स्पोर्ट की तो इससे मुराद मेरे पास ये है कि अब यहाँ पे कोई सेल आ गया है कोई ऐसा टिश्यू आ गया है दैट कैन एक्ट लाइक द बार्स स्टील बार्स ऑफ द रेन फोर्स कंक्रीट तो वहाँ पे जो सरिया काम कर रहा है हमारे लेंटर में सपोर्ट देने के लिए कुछ ऐसा काम यहाँ पे हमारे पौधों में ये टिश्यूज दे रही हैं कि जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टेम में सख्ती रहती है और उस पर्टिकुलर सख्ती को यूज़ करता है प्लांट टू तो फेस द वेंड्स उसकी वजह से प्लांट हिलता जुलता ज़रूर है मगर गिर नहीं जाता तो जो प्लांट गिर जाते हैं इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ वॉज लेसर देन द देंड वेलोसिटी जाहिर है बहुत दफ़ा वेंड कम होती है बहुत दफ्त नहीं गिरते कुछ गिर जाते हैं इसका मतलब है कि उनकी अपनी मैकेनिकल फोर्स विंड की वेलोसिटी से कम थी लेकिन जिन ट्रीज़ के अंदर मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा होती है डेफिनेटली वो वाले प्लांट्स ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं किसको बहुत हाई विंड वेलोसिटी एयर्स को राइट अब हम चलते हैं टिश्यूज को हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं कि जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरन कामा टिश्यू पेरन कीमा और पेरन कीमा टिश्यू अब आप लोगों ने क्या करना है माई डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है इस स्लाइड को इस इस डायग्राम को सबको तो नजर आ रहा है कि यहाँ जो हमने सेल्स ड्रॉ किए हुए हैं दे आर बेसिकली पैरन पेरनकाइमा सेल्स और अगर आप पेरनकाइमा सेल्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनकी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है इनकी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है और इसके अंदर लिविंग सेल वाले सारे फीचर प्रेजेंट हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कैन यू नोटिस फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके साइडों पे एक लिविंग बड़ा हेल्दी किस्म का ज़्यादा वॉल्यूम वाला साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है तो ये जो मेरे पास टिश्यू है डरन कीमा टिश्यू अब पेरन कीमा टिश्यूज़ जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं इसको डेफिनेटली हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे फिर हम चलते हैं दूसरी किस्म के टिश्यूज के पास एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉलन कीमा टिश्यूज़ दैट इज कॉल्ड एज द कोल कोलन कीमा टिश्यूज़ अब अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें इस पर्टिकुलर टिश्यू को देखें तो इसमें नजर आने वाले सेल्स आप लोगों को अभी भी लिविंग नजर आ रहे हैं हाउ यू कैन से वो लिविंग है उसके पास हमें नजर आ रहा है कि एक लिविंग वैक्यूल अभी भी प्रेजेंट है ऑल दो इसके इस सेल वॉल एज कंपेयर टू पेरेंट केमा टिश्यू ज्यादा थिक है लेकिन स्टिल चूंकि यहाँ पे जो थिकनिंग है वो साइडो साइडों पर है एंगल्स के ऊपर है स्टिल आपको वो जगह मिल सकती है जहां से हम न्यूट्रिएंट्स और वाटर को इन एंड आउट मूव करवा सकते हैं अगर आप, रही हैं आप हमारे पास एक आपको होती है उसका नाम होता है माइक्रोटोम मतलब होता है इन माइक्रोन माइक्रो स्टेन जिस माइनस सिक्स मीटर्स अगर आप इतने थिन स्लाइस काट रहे हैं किसी स्टेम के वर्टिकल वे में तो हम इसे बोलते हैं लोंगी ट्रिडिनल सेक्शन या हम इसे बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑन द अदर हैंड अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेम को ये आपके पास वही स्टेम था और आप इसको कट करें हैं इस वे में मीन्स एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ तो हम इसे क्या बोलते हैं हम इसे नाम देते हैं क्रॉस सेक्शन का सी एस स्टैंड फॉर क्रॉस सेक्शन एंड एल एस स्टैंड फॉर लॉन्गी ट्रिडिनल सेक्शन इस एनिमेशन में आप लोगों को हम क्या दिखा रहे हैं कि हाउ टू मेक लॉन्गे टू सेक्शन राइट आप देख रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर टिश्यू को वे में कट कर रहे हैं और अब आपको जो एनिमेशन नजर आ रही है उसमें यू कैन सी कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेम को वाइज गर्थ वाइज कट कर रहे हैं एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शन आपने करना क्या स्टूडेंट्स कि आप इस पर्टिकुलर कॉलन के मा टिश्यू को दोनों सेक्शंस में देखें लुक एट दिस जो आपके लेफ्ट साइड पे है दैट इज बेसिकली शोइंग इट्स लॉन्गिट्यूडल सेक्शन इसे कौन कौन से फीचर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है इसी पर्टिकुलर टिश्यू का क्रॉस सेक्शन राइट क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि आप सेल्स को काट के देख रहे हैं कैसे वेर्थवाइज और एलएस का मतलब है आप सेल्स को काट के देख रहे हैं लेंथवाइज नेक्स्ट इशू नेक्स्ट इशू इज कॉल्ड एजलेरन कैमा टिश्यूक्न की जो मेरे पास टिश्यूज है नॉ लुकाशन आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस में और ज्यादा इजाफा हो गया है और जो थिकनेस है इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल साइड अब इसके किसी भी जगह से चीजों की आमदोरफ का कोई चांस नहीं है तो ये कौन से सेल हैं डेड सेल्स से। हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं कैसे यूज होते हैं वो हम बाद में देखेंगे और अब हम स्टडी करें इसकी लास्ट टाइप एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्कुलर टिश्यू दैट इज नोन एज वेस्कुलर टिश्यू और आप लोग इस बात को भी जानते हैं आप लोगों ने बड़े डिटेल के साथ चैप्टर नंबर फोर्टीन पढ़ा था ऑफ जाइलम एंड आपको ये वाली बात भी पता है कि हमारे जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट तो होती हैं ट्रैकीड्स और ट्रैचिट्स और इन पर्टिकुलर ट्रैकड्स की वजह से ही आ, हमारे पास क्या बनते हैं लॉन्ग लॉन्ग कटेक्ट इशूज बनते हैं लेकिन आपको याद होगा हम डिस्कस किया था कि ऑल दो दे आर हॉलो फ्रॉम इन साइड बट दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डेपोजिशन ऑफ लिग्न एंड क्यूटिन ऑन द ऑल साइड्स प्लस आपने ये वाली बात याद रखनी है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है इट इज़ अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे वेदर इट इज अ रूट और इट इज अ स्टेम और पेट्रोल और अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप लोगों को वेस्कुलर बंडल अरेज नजर आते हैं रूट में क्रॉस no, इमेज इस इमेज को देखें तो आप लोगों को यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स एक स्पेसिफिक अरेजमेंट नजर आती है इन what क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम तो आपने देखा है आपने गौर करना है कि जैसे हम एक बहुत बड़ा पिलर बनाना चाहें तो उस पर्टिकुलर पिलर भी हम लोगों को एक नेटवर्क बनाना पड़ता है किसका सरियों का ठीक है उस पर्टिकुलर पिलर की वजह से उस पर्टिकुलर रिंग की वजह से जब हम इसके ऊपर रेन करते हैं किसको कंक्रीट को तो उसकी स्ट्रेंथ में मल्टीफोल्ड इजाफा हो जाता है तो सेम इज़ देश कि इस पर्टिकुलर वास्कुलर टिश्यू की अरेंजमेंट इन द स्टेम एंड रूट एंड इन दैट एंड मेड्रेम ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द्लांटूज अब हम चलते हैं इन डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दर्ल्ड लोकेट दिस बार हम ने आप लोगों के पास पेरन कािजोलॉजी यू नो वट इज फिजोलॉजी फिजोलॉजी मीन्स नॉर्मल फंक्शन और इसके लिए अगेन आप लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे चैप्टर फोर्टीन आप पढ़ के आए हैं पार्ट वन में आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं तो आपको ये सारी बात पता है कि देयर इज अ प्रोसेस दैट इज लिंक विदेरी वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द पैन कायमा सेल्स पहली बात लास्ट वो भी डिस्कस किया था कि पैन काल्स आर लिविंग सेल्स देव वेरी दे हैव गॉट वेरी थिन इलास्टिक एंड प्लास्टिक वॉल्स राइट दे आर लिविंग सेल्स दे आर प्रोवाइडेड विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल दॉल्ड एज वॉट सेल वेक्यूल आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सेल वैक्यूल का अपना एक रोल है शेप ऑफ द सेल आप करेंगे क्या माइड स्टूडेंट कि आप लोग इस पर्टिकुलर सेल को एक हाइपोटोनिक या हाइपर ऑस्मोटिक सोशन में डालेंगे पढ़े लिखे बच्चे आपको पता है वट विल है वॉट विल हैपन कि जो वाटर है इट विल गो इन टू द सेल और आपने नाम कहते हैं इसको एंड ऑसमोसिस तो आप देख रहे हैं कि जब जब एंड ऑस्मोसिस हो रही है तो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इन साइड द सेल वो वो प्रैस किस पर डेवलप हो रहा है डेफिनेटली ऑन द साइटोप्लाजम और जब साइटोप्लाजम अपनी नॉर्मल फिजोलॉजिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को गेन कर लेता है तो फिर वाटर बिगिन टू जॉइन वॉट द वैक्यूल और एक प्रेशर जो इन साइड लग रहा है फ्रॉम द इन लग रहा है टूवर्ड्स द आउट साइड दैट इज कॉल्ड प्रेशर राइट अगर हम इसको डायग्राम बना के समझे तो ये भी कोई मुश्किल सी बात नहीं हमने यू डिस किया था कि ये मेरे पास एक प्लांट का सेल है ये वाला राइट right? और इसके अंदर ये एक प्रेजेंट है क्या वैक्यूल और मैंने इसको प्लेस कर दिया है एक ऐसे सोल्यूशन में दैट इज हाइपोटॉनिक इसका मतलब है इसमें सॉल्यूट कम है राइट इट इज हाइपर ऑसमोटिक इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब पानी ज्यादा है तो वाटर विल गो इन ये इसके अंदर जाएगा और उसके रिजल्ट में इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा वो किस तरफ लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा और वो वाला प्रेशर जो वाटर बाहर की तरफ लगा रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर राइट अब आपने बात यह रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इस पर्टिकुलर प्लांट uh, सेल को प्लेस कर दिया है किस में आपने प्लेस कर दिया है इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपो सॉल्यूशन सोल्यूशन उसके रिजल्ट में क्या होगा उसके रिजल्ट में अब यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इमेजिन एक लिविंग सेल है एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मेनटेन इट्स इंटरनल कंडीशन नियरली कॉन्स्टेंट तो वो काम कैसे कर सकता है आपको याद है कि रबुल इज़त ने इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को दे रखा है एक अदद वैक्यूल और इस वैक्यूल की खास मेम्ब्रेन है यार एक्सेलेंट आपने बिल्कुल ठीक बोला बेटा कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट क्या नाम होता है इसका टोनोप्लास्ट इस टोनोप्लास्ट पे क्या प्रेजेंट है बहुत सारे सोल्यूट पंप्स वेन एवर यूज टर्म सॉल्यूट इसका मतलब है हम किसी ऐसी चीज की बात करेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली वाटर से कम है इट मे बी द पोटासियम इट मे बी मैगनीशियम इट मे बी कैल्शियम इट मे बी सोडियम ब्ला 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 इस पर्टिकुलर टोनोप्लास्ट पे जो प्रेजेंट क्या प्रेजेंट थे मेरे स्टूडेंट्स सोल्यूट पम्प दे है एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए तो ये जो पम्प यहाँ पे अटैच है ये वाले पम्प ये वाले पम्प ये वाले ये वाले पम्प they are basically trying to fetch what ions against concentration gradient to so, jab ions against concentration gradient se move karenge to time will come when internal conditions of the vacuole become hypertonic ek waqt aisa aayega my dear students कि जब ये वाले pumps sodium की मिकदार को पोटासियम की मिकदार को calcium की मिकदार को इस पर्टिकुलर vacuole के अंदर बढ़ा देंगे तो कंडीशन यहाँ पे कैसी हो जाएंगी हाइपोटॉनिक सॉरी हाइपरटोनिक और हाइपो ऑस्मोटिक अब जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी की वो अंदर हो गई कम और बाहर हो गई ज्यादा तो अब वाटर विल बिगिन टू मूव इन अब वाटर किधर आना शुरू हो जाएगा जब वॉटर किधर आएगा तो डेफिनेटली ये वाला सेल पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होने के बावजूद भी इरेक्ट रहेगा फूला रहेगा राइट इस पर्टिकुलर को जिसमें वाटर की वजह से आ, ये स्टेम खड़ा रहता है दैट इज अदर देन अ काइंड ऑफ स्केलेटन क्योंकि अगर पानी है तो ये वाला सेल कैसा रहेगा फूला हुआ रहेगा लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाएगा ये कब होगा जब आपने अपने घर में एक पौधा लगाया हुआ है लेकिन आप उस पर जुल्म क्या कर रहे हैं कि आप उसको पानी दे ही नहीं रहे एक दिन दो दिन तो ये बेचारा प्लांट दैट इज बेसिकली

अगर आपने इसे पानी ना दिया ना दिया तो फिर आप लोग इस पौधे की लाइफ जान ले लेंगे रिमेंबर ये प्लांट्स भी लिविंग एंटिटीज हैं इनकी ज़िंदियाँ आपके हाथों में होती तो पौधे लगाना ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन पौधों की जिंदगियां कैसे बचा सकते हैं तो अगर आपने एक पौधा लगाया है तो आप उसकी ज़िंदगी की कदर करें आप उसे पानी भी दें आप उसे पानी देंगे तभी ये वाले पंप काम कर सकते हैं तभी ये वाला प्लांट टगर प्रेशर के अंदर टर्जेड रह सकता है और तभी ये खड़ा रह सकता है लेकिन अगर पानी एबसेंट हुआ तो टगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये पहले विल्टिंग करेगा और फिर ये गिर जाएगा और मर जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ दर्स इंड सो प्लीज वॉटर योर स्मॉल प्लांट्स अब हम चलते हैं अगले टिश्यू की तरफ एंड दैट इज कॉल्ड एज ट क्वलन केमासल्स एंड स्टन केमासल्स हमने बेसिकली स्टडी करनी है इसकी अनाटमी इसकी फिजोलॉजी इसकी हिस्टोलॉजी बिकॉज कि ये प्लांट को फिजोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे रही हैं बल्कि ये प्लांट को मकैनिकल सपोर्ट दे रहे हैं अगर ये प्लांट को मकैनिकल सपोर्ट दे रही हैं तो फिर हमें उन बेसिस को अंडरस्टैंड करना है कि जिसकी वजह से ये हार्ड हैं देर आर टू टाइप्स इन प्लांट नंबर टिश्यूज की क्या देखेंगे क्रॉस और लॉन्गिट्यूड सेक्शन यू कैन सी दिस डायग्राम आप लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक ड्यूरेशन के लिए थोड़े से टाइम के लिए गौर गौर से देखें आंखें खोल खोल के देखें और कोशिश करें कि आप उन फीचर्स को एनलिस्ट कर सकें जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं आपके लेफ्ट पर नजर आ रहा है कोदल कैम टिश्यू का लॉन्गिट्यूड सेक्शन लेंथवाइज काटा हुआ और राइट पर कोई नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन आई एम गोइंग टू हैव अ साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड ट्राई टू नोट द वॉट फीचर्स न लुक एट दिस अब मैं आप लोगों की हेल्प करने जा रहा हूँ मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने दिमाग ही दिमाग में आंखों आंखों से बहुत से फीचर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए ले। लेकिन मैं डायरा ज़ाहिर है आपको हेल्प करने के लिए गया हूँ तो पहला फीचर मुझे क्या नज़र आ रहा है माइड स्टूडेंट्स कि जो मेरे कोलन का एमर सेल्स हैं वो लिविंग हैं वो कैसे स्टूडेंट्स मेरे पास लिविंग और अगर आप लोग क्लेम करना चाहें कि ये लिविंग है तो उसके मैंने आपको वजह प्रीवियस बोर्ड में बताई थी कि ये लिविंग क्यों है लेकिन अगर मैं इसे कंपैरिजन पे इस स्लाइड को देखें मैं फिर थोड़ी देखी चुप करूंगा और आप लोग फाइन करेंगे स्कैन का एमा के कुछ फीचर्स जो थोड़े से डिस्कस हुए हैं आप लोगों के साथ उनको दफा फिर अपनी आंखों के जरिए पे दिमाग में बिठाई सो आई एम गोइंग टू हैव अ साइलेंस राइट माइंड स्टूडेंट्स तो अगेन इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि आपके लेफ्ट साइड पे स्कैन का एमा का लॉन्गिट्यूड सेक्शन है और राइट साइड पे सकेंड कैमा का, का क्रॉस सेक्शन तो आप क्लेम कर सकते हैं कि जो सकेंड कैमा के सेल्स हैं दे आर डेड और दे आर नॉन लिविंग कैमा टिश्यूज आर बेसिकली नॉन लिविंग टिश्यूज मेरा ख्याल है कि आपको प्रीवियस बोर्ड की बात याद होगी कि ये वाले सेल्स को अगर आप देखें तो इनके तमाम अतराफ में तमाम अतराफ में जो सेल वॉल है ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली थिक हो गई है इसके अंदर हमें प्रोटोपलास ऑलमोस्ट ना होने के बराबर नजर आ रहा है लूमन इनके बहुत नैरो हो गए हुए हैं और इसमें जो हमें सेल वॉल नज़र आ रही है दैट इज़ ना अदर देन ओनली सेकेंडरी सेल वॉल तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ सेकेंड्री सेल वॉल नज़र आती है सेकेंडरी सेकेंडरी सेल वॉल लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज ऑल टूगेदर एबसेंट इनको कैमा सेल्स तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पी सी डब्ल्यू प्राइमरी सेल वॉल नजर आती है प्राइमरी सेल वॉल राइट इस वाले केस में देर इज नो सेकेंडरी सेल वॉल ठीक है सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है? का एमा में सकलैरन और सेकेंडरी ये या आपने याद रखना है ये कह सेल है लिविंग और ये कह सेल है मेरे पास नॉन लिविंग और डेड अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज ऑल टूगेदर लिविंग जैसे मैंने बोला था अभी आप लोगों के लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे नो सेकेंडरी सेल वॉल नो सेकेंडरी सेल वॉल और यहां पे क्या है ओनली सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल नजर आती है एस सी फॉर सेकेंडरी सेल वॉल और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है सामने क्रॉस यानी कि यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है फिर अगर आप देखो तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर सेल्स में एंगुलर थिकनिंग नजर आती है कौन सी थिकनिंग एंगुलर थिकनिंग एंगुलर यानी कि जहां जहां एंगल है सिर्फ वहां वहां पे थिकनिंग है यहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कहीं इंटरसिलुरर स्पेस नज़र आ जाता है लेकिन सकेमर सेल्स में किसी किस्म का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और यहाँ पे यूनिफॉर्म यहाँ पे हम लोगों को यूनिफॉर्म थिकनिंग नज़र आती है जब थिकनिंग यूनिफॉर्म हो जाए तो इसका मतलब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सपोर्ट तो ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन अगर आप कौन कैमर सेल्स की बात करें तो ये किस हद तक फोटोसेंथेसिस का और बाकी फंक्शन परफॉर्म भी कर सकते हैं अब अगली बात है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि तो अगर आप लोगों ने इन सेल्स को फाइंड करना हो लोकेशन फाइंड करनी हो तो आपको कहाँ कहाँ नजर आएगी तो पहली बात मेरे पास ये है कि ये बीन कुलन कैमर सेल्स ये हम लोगों को यंग हर प्लांट्स में नजर आते हैं यंग हर्बेशियस प्लांट में नजर आते हैं लेकिन जहां तक बात है सेल्स की, तो ये तो आप लोगों को नजर आते हैं इन आ, ट्रीज इन श्रब्स एंड इन वाइन्स वाइन्स हम बोलते हैं बेलों को श्रब्स हम बोलते हैं झाड़ियों को और ट्रीज ने बोलते हैं दरख्तों को तो जहां जहां भी आप लोगों को वुड नजर आती है हार्ड वुड नजर आती है यानी कि अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो इन इनऑर्गनिज्म में जो विल्टिंग के साइन है वो अपेयर होते हैं एटलीस्ट इन द लीव्स लेकिन यहाँ पे हम लोगों को विल्टिंग के साइन को अभी अपेयर होते ही नहीं प्लांट खड़ा खड़ा मर जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा एक्सेप्ट इस बात के कि इनके लीव्स अब येलोइंग स्टार्ट हो गई है इनकी अगर हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की तो कौन कैमर सेल्स की मेरे पास कोई फर्दर टाइप अवेलेबल नहीं है राइट अगर आप दिखना चाहें तो आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल नज़र आएंगे सिलेंड्रिकल नजर आएंगे स्टूडेंट्स ठीक है और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ये बंडल्स की फॉर्म में नज़र आएंगे और आप लोग इनको फाइंड करना चाहें तो ये आपको नज़र आएंगे जस्ट बिनी द स्किन वो जो जस्ट बनी द स्किन है उस टाइम की भी हो सकती है और वो आप लोगों को आप इस सेलरी प्लांट को देखें तो आप लोगों को इस सेलरी प्लांट के लीव्स के नीचे बहुत से ये ब्लैक ब्लैक से डॉट्स देखे नजर आ रहे हैं इन पर्टिकुलर डॉट्स के अंदर बंडल्स हैं फाइव बंडल्स हैं मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स हैं किसकेदन कैमर सेल्स के के जो इस पर्टिकुलर सैलडी को क्रंची और हार्ड बना रहे जो क्रंच, क्रंची फील आपको आती है इस सैलड़ी प्लांट के अंदर इट इज जस्ट ड्यू टू पेरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉल्ड एज कुदन कैमा टिश्यूज अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम स्कैन कैमर सेल्स की जो फर्दर टाइप्स हैं उसके लिए मूव करेंगे Yes, छोड़ा दोबारा शुरू कर रहे हैं कि स्कैन कैमर सेल्स की मेरे पास तीन टाइप्स हैं। ये मैं फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों की बुक कोल्ड एस फाइबर उन्हें हम लोग का नाम भी देते हैं अदर वैक्लेराइड एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एस वेल्स

कि ये वाले सेल्स भी फर्दर स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए कहाँ प्रेजेंट है बंडल कैप्स में तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने मस्त याद रखनी है इसलिए हम आप लोगों के लिए यहां पे लिख भी रहे हैं कि सबसे पहली बात कि दे आर लॉन्ग दे आर लॉन्ग एंड देन दे आर साइलेंड्रिकल दे आर सैलेंड्रिकल और दूसरी बात आपने इसकी लोकेशन की याद रखनी है कि दे आर प्रेजेंट इन जाइलम जाइलम वो xylem में प्रेजेंट होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन एडिशन इन बंडल कैप्स तो ये सारी की सारी बातें नीज ये चार पॉइंट्स हैं कि ये लंबे होते हैं ये ये होते हैं जाइलम में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा ये कुछ प्लांट्स के बंडल कैप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो ये चारों के चारों पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड अब अगर मैं बात करूं सकले की तो जो मेरे पास सकले हैं ये शक्ल में या थिकनेस में तो फाइबर जैसे ही होते हैं। लेकिन दे आर वेरी शॉर्ट इन साइज साइज भी छोटे होते हैं शॉर्ट शकल थिकनेस मोटाई वगैरह फाइबर जैसी ही है लेकिन कॉम्प्रेस्ड है छोटे हैं तो ये फिर कहाँ प्रेजेंट होंगे सर किसी छोटी जगह पे प्रेजेंट होंगे वो स्टेम का पार्ट नहीं होंगे वो लीफ का पार्ट नहीं होंगे वो रूट का पार्ट नहीं होंगे बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ नजर आते हैं सीड कोट्स भी आपको पता है सीड कोट्स वी आर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टा टेस्टा किधर प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो नट्स हैं आपने आप बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अखरोट की तो जो अखरोट का बाहर बड़ा हार्ड सा शेल है इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइट्स अगर आप बात करते हैं मूंगफली की आप बात करते हैं अचलगोजे की आप लोग बात करते हैं बादाम की तो उनके नट्स के बाहर जो थर्ड मटीरियल है इट इज मेड अप ऑफ सक्सेराइट अब हम बात करेंगे वेसल्स की और वेसल्स आपको पता है कि दे आर अगेन वेरी लॉन्ग ये बड़े लॉन्ग हैं, बट दे आर नॉट सिलेंड्रिकल राब्यूलर अब दोनों में फर्क है उनकी अरेंजमेंट इस तरह की है लेकिन ये अंदर से हॉलो होने की वजह से ट्रिब्यूलर है जाहिर है आपको पता है आप पढ़े लिखे बच्चे हैं कि ट्रिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी डेफिनेटली आप कंडक्टिंग सिस्टम बनाना होगा तो कंडक्टिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ का प्रेजेंट है डेफिनेटली इन द जाइलम वेसल्स तो इसीलिए हम इन्हें वेसल्स का नाम भी देते हैं तो आपने इन तीनों को अब इस डायग्राम में तीन, हमने इन तीनों को कंपेयर किया हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट आपको नजर आ रहे हैं फाइबर्स दरम्यान में नजर आ रहे हैं आप लोगों को सेक्लेराइड और एक्सट्रीम राइट पर नजर आ रही है वेसल्स नाउ वी वॉन्ट टू जम्प टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे और वो लास्ट टॉपिक मेरे पास क्या है स्टूडेंट सेकेंडरी ग्रोथ लुक एट दिस सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस हुआ था कल आप लोगों के साथ प्लांट्स दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं एक लेंथ वाइज अगर एक प्लांट सिर्फ सिर्फ लेंथ में इजाफा कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ लेकिन प्राइमरी ग्रोथ अटेन करने के बाद अब प्लांट्स वर्टिकल ग्रोथ को लोग देते हैं एंड देन टू प्रोवाइड वट फोर्स दैट एनेबल टू कीप इट एंड टू फेस द वेरी वेलोसिटीज ये अपनी थिकनेस में भी इजाफा करना शुरू कर देते हैं वो जो थिकनेस है definitely वो circular way में चारों तरफ हो होती है। इसलिए क्या बोलते हैं और और तो significance मेरे पास ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज यूज टू इनक्रीज गर्थ गर्थ सिग्निफिकेंस इसी तरह से जो प्लांट का स्टेम है जो प्लांट की रूट है ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं थिक हो जाती राइट right? थिक हो जाती है अगर थिक नहीं होगी तो डेफिनेटली प्लांट लंबा और पतला होगा बड़े आसानी से गिर जाएगा इसीलिए प्लांट्स स्पेसिफिक हद तक प्राइमरी ग्रोथ करने के बाद उसे रोक देते हैं और फिर सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं आई हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है तो आंसर ये है कि मेरे पास दो किस्म के टिश्यूज हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं उनमें से किसी टिश्यू को हम बोलते हैं कॉर्क कैंबियम हैं समूडेंट कॉर्क कैम्बियम एंड अदर वन इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम वेस्क्यूलर कैम्बियम राइट अब आपने अगली बात क्या माइंड में रखनी है कि वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेस्कुलर कैंबियम ये पढ़ा है आप लोगों ने अगेन चैप्टर नंबर 14 में बहुत डिटेल्स हमने पढ़ा था कि किसी एक वेस्कुलर बंडल के किस में एंजियोस्पर्म की बात हो रही है किसी एक वेस्कुलर के वेस्कुलर बंडल के मेरे पास तीन पार्ट थे लुक एट दिस वाई डायग्राम आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज फ्लोइम इधर मोस्ट इज कॉल्ड एज वट साइलम इन बिटवीन दीज टू साइलम देयर इज अ टिश्यू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट

दरमियान में कैम्बियम ये बाहर की तरफ भी डिवाइड कर रहा है और अंदर की तरफ भी डिवाइड कर रहा है राइट right? अगर ये बाहर की तरफ डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा क्या सेकेंडरी फ्लोइंग क्या बनाएगा स्टूडेंट सेकेंडरी फ्लोइंग सेकेंडरी फ्लोइंग और जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा तो इट विल मेक सेकेंडरी इट विल मेक सेकेंडरी ठीक है अब अगर मैं अरेंजमेंट आपको दिखाऊं तो क्या नजर आएगा मुझे इस पर्टिकुलर फ्लोइम सबसे बाहर प्राइमरी उसके उसके अंदर से उसके अंदर सेकेंडरी अगेन कैम्बियम और कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम और सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम तो ये अरेंजमेंट बनी मेरे पास एक वैस्कुलर बंडल की इस सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइन के बदने की वजह प्राइमरी जाइलम में प्रेजेंट वेस्कुलर कैम्बियम था तो जब नया फ्लोइंग बनेगा और नया जाइलम बनेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये वाले सेल्स की तरफ फोर्स लगाएंगे राइट अब इसके बाहे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट था है आप पढ़े लिखे बच्चे यहाँ प्रेजेंट था वट कॉटक्स तो रिजल्ट क्या होगा जब कॉटक सेल पर फोर्स लगेगी तो कॉटे सेल मरना शुरू हो जाएंगे तो हर साल हर साल जब इसकी गर्थ में इजाफा होगा

हमारा जाइलम ग्रो करेगा ग्रो करेगा ग्रो करेगा इन साइड तो भाई वाले सब्स की डैथ होना शुरू हो जाएगी दैट्स वाई कि जो मेरे पास प्राइमरी फ्लोइम है वो भी मर जाएगा सिर्फ बचेगा सेकेंडरी फ्लोइंग तो आप लोगों के इसी मेच्योर प्लांट को देखोगे तो उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेफल पार्ट पे लिविंग टिश्यू नज़र आएगा फंक्शनल टिश्यू नजर आएगा एंड दैट वाइज फंक्शनल टिश्यू इज सेकेंडरी फ्लोइंग राइट लेकिन जो मेरे पास जाइलम है ये हर साल ग्रो करता है हर साल नया बनता है हर साल नया बनता है अब आपको ये भी याद होगा कि अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, अपने प्यारे पाकिस्तान की बात करूं, तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है खूबसूरत चार मौसम वो चार मौसम मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहार है फिर उसके बाद गर्मी आती है फिर उसके बाद बरसात आती है फिर सर्दी आती है फिर ख़जा आ जाती है तो ये चार किस्म के मौसम का इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी होता है तो जिस मौसम में प्लांट पे पत्ते नहीं होंगे या सनलाइट कम होगी यानी कि मैं सर्दियों और खजां की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे आप लोगों के प्लांट्स को वाटर की क्वांटिटी कम अवेलेबल होगी तो सेल्स डिवाइड तो कर रहे होंगे लेकिन वो इलोंगेशन के फेज से नहीं गुजर रहे होंगे ऑन द हैंड जब हम किसी प्लांट को देखेंगे किस में बाहर के मौसम में तो बाहर के मौसम में या गर्मी के मौसम में प्लेंटी फुल वाटर इज अवेलेबल देर आर नंबर ऑफ़ लीव्स देर फ्रेशली मेड यंग लीवस देर आर फचिंग वाटर एट द एट द फास्ट स्पीड तो आपको इस वक्त इस जोन में क्या नज़र आएंगे आप लोगों को लंबे लंबे सेल नजर आएंगे इस पर्टिकुलर जोन के अंदर तो आपको रिंग्स बन रिंग्स नजर आएंगे जाहिर है रिंग का एक वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे सेल्स लंबे लंबे हैं वो उस एक्टिव ग्रोइंग सीजन को शो कर रहा है और वहाँ पे सेल्स छोटे छोटे हैं वो उसके रिटार्डेड ग्रोइंग सीजन मीन्स विंटर और ऑटम को जाहिर कर रहा है अब इस पर्टिकुलर एक रिंग से हमें नज़र आती है प्लांट की एक सलाह जिंदगी और अगर मैं किसी प्लांट का क्रॉस सेक्शन काटूं और मैं इसमें नंबर ऑफ रिंग्स को फाइंड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्लांट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है बिकॉज हर साल एक नया जाइलम बनता है राइट और जो फ्लोइम है इट मूव टूवर्ड्स आउटसाइड वो हमेशा बाकी ग्रो करते रहते हैं और हमें सबसे एक्टिव फ्लोइम सबसे बाहर नज़र आएगा राइट right. अब अगर मैं जाइलम की दोबारा बात करूं तो जाइलम में मुझे नजर आता है कि दो किस्म की वुड बन जाती है एक को हम बोलते हैं सैप वुड और एक को हम बोलते हैं हार्ट वुड यू you नो know, वुड इज नथिंग अदर देन जाइलम जाइलम ही बेसिकली वुड होती है ठीक है अब सैप वुड मेरे पास कौन सी है दैट इज एक्टिवली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वट ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन वाटर लेकिन हर साल जैसे मैंने बोला कि नई वुड बनती है तो जो पुरानी वुड होगी वो क्या करेगी मर जाएगी तो वो वाली वुड जो मर गई है दैट इज़ कॉल्ड एज अ हार्ट वुड अब जो हार्ट वुड है उसको अगर हमने मार दिया है तो हम उसे किसी फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है वो ये है कि हम इससे फर्दर स्ट्रेंथ गेन करें अगर मैं स्ट्रेंथ को गेन करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी वो चीज़ें जो हम इस पर्टिकुलर वुड में ऐड कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो चार हो सकती है नंबर वन इज रेज़िन, गम्स, नंबर थ्री इज ऑयल्स एंड नंबर फोर आर टेनि अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं गम्स, ऑयल्स एंड मीन व्हाट इज़ देर फंक्शन उस फंक्शन ये है इन चीजों की वजह से ये लकड़ी वाकई हार्ड हो जाती है और इस हार्ड होने की वजह से अब इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की चीजें अटैक नहीं कर सकती इसके डिके होने का चांस डिके होने का चांस कम हो जाता है शायद आपने नाम सुन रखा होगा कि हमारे मुल्क में एक दफ्तर आया जैसे हम आम पंजाबी जबान में टाली कहते हैं राइट और ये जो टाली है इसकी दो टाइप होती है ब्राउन टाली और एक काली टाली जो हमारे पास काली टाली होती है उसके अंदर डेफिनेटली और बढ़ जाती है तो इसीलिए जो काली टाली का जो फर्नीचर होता है उसको दीमक भी नहीं लगती और उसको घुन भी नहीं आसानी से खाता और वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है ड्यू टू तो एडिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस राइट हम चलते हैं इन पर्टिकुलर वुड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने के लिए तो किस पर्टिकुलर वुड में कितना सेलुलोज है कितना लिग्डिन है कितना क्यूटिन है कितना सुबरिन है उसमें कितने रेजिन है गम्स कितनी है, ऑयल और टेंसिलेशन क्या है उसके लिहाज से डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की आ, बेस पे वुड्स की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं तो जो सबसे हार्ड सख्त लकड़ी होती है जैसे मैंने बोला कि वो जिस जिसे हम हार्ट वुड बोलते हैं और जिसमें रेनेंस सॉरी रेजेंस ग ज़्यादा होती है दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट वुड अगर वो कम हुई तो वो कहलाएगी मेरे पास सेप वुड ठीक है और हम इसे आम जबान में अगर उसमें वैसल्स हैं तो हम उससे कच्ची लकड़ी भी बोलते हैं अगर वैसल्स ना हो तो कच्ची लकड़ी भी कहलाते जैसे कि हमारे uh, कॉनिफर प्लांट्स होते हैं ऑन अदर हैंड हमारे पास एक और सॉफ्ट फॉर्म ऑफ वुड टिश्यू भी है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्क और कॉर्क को हम लोग कॉर्क इसलिए बोलते, है बोलते हैं क्योंकि एक प्लांट्स टेक्नोजन बोलते हैं सुबर कर्कसूबर सुबर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इट इज मेड अप ऑफ द कॉर्क और कॉर्क की थिकनेस में भी इजाफा होता रहता है हर साल जिसकी वजह तो से सुबर की थिकनेस में भी इजाफा होता रहता है एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा कैलस करता है वो क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जब को पच लगाते हैं पच का मतलब है कट लगाते हैं तो डेफिनेटली एक लिविंग टिश्यू है जैसे हम लोग सफ़र कर सकते हैं कि हमें इंजरी हुई तो हम अंदर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया वायरस अटैक कर सकते हैं तो सेम इज़ अ केस विद द प्लांट प्लांट इज़ आल्सो अ लिविंग एंटिटी एक जिंदा चीज़ है तो जब आप उस पर कट लगाते हो जब आप दफ्तों के छिलके ऊपर जाके पे नाम लिखते हो डिफ़रेंट तरीके से तो उसके रिजल्ट में डेफिट के टिश्यूज़ भी हर्ट होते अब उस पर जो टिशू को हर्ट होने से बचाने के लिए या उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस या फंगस के अटैक को बचाने के लिए वहाँ पर एक अनडिफ्रेंशिएटेड एक अन टिश्यू बनता है एंड दैट वेरी अनडिफ्रेंशियटेड टिश्यू इज कॉल्ड एज कैलस तो कैलस बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लांट को इम्यूनिटी देने के लिए है इसकी सेफ्टी के लिए राइट तो ये सारी बातें थी दैट इज रिगार्डिंग द सपोर्ट इन प्लांट्स फिर बोल रहा हूं अगर आपने ये सारी बातों को गौर से सुना है और जो पिक्चर्स हमने आपको दिखाई हैं अगर आप वो चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को नॉट ओनली इन टिश्यूज़ के बारे में पता चलेगा बल्कि आपको इन टिश्यूज की लोकेशन के बारे में पता चलेगा टिश्यूज बेसिकली हैं कहाँ राइट तो आप इनको अगर देखना चाहें तो यू हैव टू मेक इधर क्रॉस सेक्शन और यू हैव टू मेक वाट दूज सेक्शन और उसमें आप लोगों को इनके तमाम फीचर नजर आते हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप इन बातों को माइंड में रख के मैं हमेशा बोलता हूँ वो मार्क्स ज़रूर स्कोर करने में कामयाब होंगे जो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पर ले जाएँ एंड दैट वेरी डेस्टिनेशन इज नथिंग अदर देन मेडिकल कॉलेज होप यू एवरी सक्सेस इन योर लाइफ आई वॉन्ट टू से यू गुड बाय अल्लाह हाफिज़